आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं हूं रमन सैनी। और इस समय की बड़ी खबर जो है वो आ रही है जम्मू में, और जम्मू में इस समय अब से चंद सेकंड पहले बड़े भूकंप के झटके जो है वो जम्मू वासियों ने महसूस किए हैं। और उसके बाद आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहां पर किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, और यहां पर काफ़ी ज़्यादा इस समय अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को सीधे तौर पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल आए थे, और उसके बाद किस तरीके से ये भूकंप के झटके जो हैं जिसने 2005 की एक बार फिर ताजा कर दी है। और सीधे तौर पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो लोग दहशत में हैं, लोग थोड़े बहुत डरे हुए हैं, और जिस तरीके से एकदम से ये भूकंप के झटके आए हैं हमने खुद महसूस किया। मैं घर के अंदर बैठा हुआ था और चंद मिनट पहले जो है ये भूकंप के तेज झटके जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर महसूस किए गए हैं। और अब किस तरीके से इसका दूरगामी प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये झटके कुछ नुकसान भी किया हो, लेकिन अभी क्योंकि बहुत पहली स्थिति जो है वो हम आपको बता रहे हैं, और इस समय जो स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं लोग जरूर डरे हुए हैं, घर से बाहर निकल आए हैं। रात का समय है, जहाँ भी देखेंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं घर से बाहर निकले हुए देखेंगे, और इसीलिए यहाँ पर स्थिति जो है वो इस समय 2005 जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि 2005 में जो हिंदू कश पर्वत था अफगानिस्तान बॉर्डर पर, वहां पर भूकंप के झटके आए थे जिसके चपेट में पूरा जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरा माफ कीजिएगा, जो पूरा नॉर्थ इंडिया है वो पूरे चपेट में आ गया था, और उसके बाद काफी ज्यादा नुकसान जो है वहां पहुंचा था। किन किन जगहों पर, अगर आप हमें लाइव देख पा रहे हैं तो किन किन जगहों पर ये भूकंप के झटके आए हैं, जैसे बिलाल भट्ट बता रहे हैं कि कुलगांव में भी भूकंप के झटके जो है वो नजर आए हैं, तो किन किन जगहों पर ये भूकंप के झटके आए हैं आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि कुपवाड़ा से, ठीक है, कुपवाड़ा में कुछ ऐसा नजर नहीं आया है, लेकिन निश्चित रूप में जम्मू में जिस तरीके से ये भूकंप के झटके आए हैं, लगातार हम आपको बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से ये खबरें जो हैं वो चल रही थी कि छोटी मोटी जो भूकंप के झटके आप कटरा जोन में, जो डोडा का इलाका पड़ता है, कटरा का पूरा एरिया कटरा के जोन में जो आता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं भूकंप के झटके, छोटे मोटे झटके जो है वो महसूस किए जा रहे थे। और उसके बाद अब जिस तरीके से एक बार फिर ये बड़ा झटका हम कहेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि 2005 में जब विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें मुजफ्फराबाद पाकिस्तान का जो इलाका पीओके का, पीओजेके का पड़ता है, वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था, कश्मीर घाटी में उड़ी बारामूला के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो वहाँ पर जिस तरीके से नुकसान हुआ था वही तस्वीर, उसी तरीके से हालात जो हैं वो बनते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि गुप अंधेरा है, और यहाँ पर किस तरीके से लोगों में एक हलचल सी मच गई थी, और जिस तरीके से हमने भी ये पूरा महसूस किया कि अवंतीपुरा में, ये आप लोग बता रहे हैं कि अवंतीपुरा में आया है, भलेसा डोडा में ये आया है, तो हो सकता है कि ये कटरा का ही वो जोन हो जहाँ पर ये जो है झटके जहाँ से महसूस किए गए हों, और वहीं से आप सीधे तौर पर किस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा डरावनी बनी हुई है, और लोग अपने घरों से, निश्चित रूप में घर रात का अंधेरा है लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, और जिस तरीके से लगातार हरियाणा से जो है लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं, चंडीगढ़ में भी आया हुआ है ये भी बताया जा रहा है, कुपवाड़ा में बहुत ज़्यादा जोर का झटका आया है ये बताया जा रहा है, तो कोकरनाग में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कमावेश हालात जो है एक तरीके से बने हुए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, और डर भी लोगों के अंदर है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भूकंप जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है। और इस तरीके की वार्निंग जो है वो भूवैज्ञानिकों ने पहले से ही दे रखी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर हालात जो हैं, जोन 4 के अंदर जम्मू आता है, और पीर पंचाल रेंज जो है वो जोन 5 के अंदर आता है, चिनाब वैली जो है वो रेंज 5 के अंदर जो है ये आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, और लोगों का कहीं ना कहीं मानना है कि थोड़ा बहुत डर जो है वो निश्चित रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ एक लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ महसूस किया उन्होंने यहाँ पर। तो लोगों के अंदर डर का माहौल निश्चित रूप में यहाँ पर बना हुआ है, कुछ जानते हैं भैया क्या महसूस हुआ आपको? काफी ज्यादा झटके लगे थे और अचानक एकदम झटके लगे, और मैंने सब बच्चों को और बुजुर्गों को बोला कि बाहर आइए। आप कहाँ, घर में ही थे? मैं घर में था, बिल्कुल फैन हिलने का झटका
जोर से। हाँ यस यस। उसके बाद आज जो है वो लगा, आप देखेंगे तो लोग घरों से बाहर हैं और लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि 2005 में जिस तरीके से भूकंप आया था उसने काफी तबाही जो है वो पीओजे के यानी कि मुजफ्फराबाद के इलाके में और पाकिस्तान समेत जम्मू के इलाके में भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो लोग घरों से बाहर हैं और लगातार यही दुआ मनाई जा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक हो, कुशल हो। अभी तक फिलहाल किसी तरीके की कोई अनहोनी की घटना जानकारी जो है कहीं घटी हो उसकी जानकारी अभी हमें जो है वो फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूर जो है वो बरता जा रहा है लोगों की तरफ से। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग कमावेश कहीं ना कहीं घर से बाहर निकले हुए हैं। गुलमर्ग में भी आया है ये कहा जा रहा है और लगातार कमेंट्स जो है कमेंट्स के माध्यम से हमें जानकारी जो है वो प्राप्त करवाई जा रही है। और कमेंट निश्चित रूप में ये जो कमेंट्स हैं इनसे हमें पूरी तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि कहाँ कहाँ पर किन किन जगहों पर ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। फिलहाल जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है और जम्मू के आसपास का इलाका है यहाँ तो काफ़ी तेज ज़्यादा तेज भूकंप के झटके जो हैं वो देखने को मिले हैं और यहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तेज भूकंप के झटके महसूस किए हैं। एक पल तो ऐसा लगा था मानो सब कुछ हिल रहा है, ऊपर पंखा हिलना शुरू हो चुका था, तारें हिलनी शुरू हो चुकी थी और उसके साथ साथ में जो बेड पर जहाँ पर लोग बैठे हुए थे वो बेड भी कहीं ना कहीं हिलना शुरू हो चुका था। तो लगातार हालात जो हैं वो यहाँ पर भूकंप के जिस तरीके से बने हुए हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 2005 में ये जो भूकंप का झटके आए थे उसी तरीके के भूकंप के झटका एक बार फिर यहाँ पर महसूस हुआ है। अब रिक्टर स्केल पर क्या कुछ इसकी जो तीव्रता है वो आंकी जाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब एक बार पूरी तरीके से जो सिस्टम लगा होता है जहाँ से भूकंप के झटकों की तीव्रता नापी जाती है उनको देखा जाएगा, उनको जांचा जाएगा, उसके बाद मालूम चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके का झटका महसूस हुआ है ये 5.5 से ऊपर का ही झटका जो है वो लग रहा है, क्योंकि तभी इतना ज़्यादा झटका जो है वो महसूस होता है। और जिस तरीके से मैं खुद बेड पर बैठा हुआ था और वहाँ से एकदम से बेड हिलता हुआ नज़र आया और हम आनन फानन में घर से बाहर निकले और बाहर निकलते ही मैं अपने सभी दर्शकों जो हैं सभी हमारे दर्शक हैं उनको ये अपडेट पहुँचाने की कोशिश की कि किस तरीके से भूकंप के झटके ने पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ इंडिया के भी काफ़ी इलाका जो है उसको हिला कर रख दिया है। और जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि एक बड़े भूकंप के मुहाने पर जो है वो जम्मू कश्मीर बैठा हुआ है और कभी भी किसी भी तरीके का कोई बड़ा भूकंप जो है वो यहाँ पर आ सकता है, तो लगातार भूकंप के जो जानकारी है वो हमें दी जा रही है कि किस माध्यम से यहाँ पर किस किस जगह पर ये भूकंप के झटके जो है महसूस किए हैं। पुंछ के बुद्दल में है, उधमपुर में भी हुआ है, तो ये जानकारी लगातार हम तक पहुँच रही है। सोपोर में जुनेद अहमद की जानकारी जो है वो हमें मिल रही है, कुलगांव में है और पकेरफोरा में है, अखनूर में खौड़ का इलाका जो है वहाँ पर भी ये महसूस हुआ है, उड़ी में भी 7.7 का ये झटका जो है वो लोग बता रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब तक मौसम विभाग इस पर कोई पूरी जानकारी नहीं दे देता तब तक हम इसकी तीव्रता की जो है वो पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर पाएंगे। लेकिन भूकंप का झटका निश्चित रूप में अपने आप में बेहद ज़्यादा तेज था और इस भूकंप के झटकों से एक बार फिर लोगों को 2005 की याद जो है वो ताज़ा करा दी है और निश्चित रूप में लोगों के अंदर डर था, लोगों के अंदर थोड़ा बहुत खौफ था। और जैसे ही लोग यहाँ से लोगों को जानकारी मिली, जो लोगों को महसूस हुआ, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और लोग लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब आशंकित हैं कि कहीं पोस्ट ट्रेमर शॉक जो है वो भी आते हैं, क्योंकि जब बड़ा झटका आता है उसके बाद कई शॉक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो ऐसा कोई दोबारा कोई झटका ना आए इसलिए लोग घरों के बाहर जो हैं वो सीधे तौर पर बैठे हुए हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार सब कुछ सेटल हो जाए उसके बाद घर के अंदर जो है वो दोबारा जाया जाए। तो फिलहाल तस्वीरें जो आप देख रहे हैं लगभग 10:30 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, 10:28-27 के आसपास में ये झटका आया है और लगातार जिस तरीके से लोग हमें जानकारी दे रहे हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो झटका महसूस किया गया है वो काफ़ी डरावना था, इसीलिए लोगों को अपने बच्चों समेत घर से बाहर निकलना पड़ा। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कमेंट के माध्यम से हमें ये जानकारी दे रहे हैं, उनका कहना है कि गुलमर्ग में झटका आया है, उनका कहना है कुलगांव में झटका आया है, उनका कहना है सुंदरबनी में झटका आया है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये भूकंप के तीव्र झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। और इसके साथ साथ में हम आपको ये भी बता दें कि केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, यहाँ से भी ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर भी ये झटके महसूस हुए हैं। पिछली बार जब इस तरह का झटका आया था तो उसका एपिसेंटर जो था वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो हिंदू कश पर्वत है वहाँ से ये झटके जो हैं वो
वहाँ से शुरू हुए थे, वहाँ पर एपिसेंटर था भूकंप का, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा विनाश जो है वो देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ था, ख़ासतौर पर जो पहाड़ी इलाके पर कच्चे मकान बनाकर रहने वाले लोग हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन उम्मीद यही जताएंगे कि इस बार किसी तरीके की अनहोनी की कोई भी खबर जो है वो हम अब तक ना पहुँचाएँ, ऐसा कोई ऐसी स्थिति ना बने कि हम आपको ऐसी खबर बताने के लिए बाध्य हों, लेकिन खबर आप तक पहुँचाना हमारी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को हम पूरी तरीके से हमेशा हर हालत में हर कंडीशन में निभाने की हमारी कोशिश रहती है। और लगातार जिस तरीके से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक बड़ा भूकंप जो है जिसकी तीव्रता 5.5 और 6 के आसपास में हो सकती है, हालांकि जब मौसम विभाग इसकी पूरी जानकारी देगा तब जाकर हम इसको बता पाएंगे कि आखिरकार कितनी तीव्रता का, कितने रिक्टर स्केल का ये भूकंप का झटका जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे नॉर्थ इंडिया में और हो सकता है POJK के इलाके में भी इसे महसूस किया गया हो, लेकिन खासतौर पर जम्मू के अंदर तो फिलहाल ये बहुत बड़ा झटका जो है वो आज देखने को मिला है। और सीधे तौर पर ये झटके जो हैं उन्होंने 2005 की याद ताज़ा कर दी है। फिलहाल जैसे ही इस बारे में कुछ और अपडेट्स हमें मिलेगी, कुछ कंक्रीट रिपोर्ट्स हमारे पास मिलेंगी जिसमें हम ये आपको बता पाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये भूकंप के झटके कहाँ से ये शुरू हुए थे, यानी कि एपिसेंटर इसका कहाँ था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इस भूकंप का कहाँ पर था, और किस तरीके से कितने रिक्टर स्केल पर ये भूकंप के झटके जो है दर्ज किए गए हैं, तो उसके बाद हम ज़रूर आपको एक बारी बताएंगे। तो ये भगवती नगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं और भगवती नगर से भी लोग सीधे तौर पर यहाँ पर आपको हमें जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत तीव्र झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। फिलहाल जो हम आपको जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक एक बड़ा झटका जो है वो जम्मू में देखने को मिला है, और जिस तरीके से ये झटके जो हैं वो जम्मू में फिलहाल देखने को मिले हैं उसके बाद सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू के अंदर जो एक पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि जम्मू जो है वो सेफ नहीं है, खासतौर पर अर्थक्वेक के लिहाजे से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जम्मू जो है किसी ना किसी बड़े अर्थक्वेक के मुहाने पर बैठा हुआ है, तो पूरा जम्मू कश्मीर आधे जोन में बचा हुआ है, आधा जम्मू कश्मीर जो जम्मू का प्लेन इलाका है वो जोन 5 में आता है और दूसरा जो पहाड़ी इलाके हैं वो जोन 5 में आते हैं और जो प्लेन इलाके हैं वो जोन 4 के अंदर आते हैं। तो निश्चित रूप में ये बड़ा झटका जो है वो महसूस किया गया है जिसकी तीव्रता 5.5 और 6 के आसपास में हो सकती है, जितने बड़े झटके हैं क्योंकि तारे हिलने लगी थी, पंखे हिलने लगे थे, तो इस तरह के झटके जो महसूस किए जाते हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी सामने नज़र आता है और उसके साथ साथ नुकसान भी सामने नज़र आता है। देखना ये होगा कि इस भूकंप के झटकों ने कितना नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का किया है। और सबसे बड़ा डर जो होता है जब बड़ा भूकंप का झटका आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स जो आते हैं, जो पोस्ट अर्थक्वेक के शॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को डराते हैं और उसकी वजह से लोग भयभीत हुए हैं और निश्चित रूप में घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है एक बार फिर लोग अपने अपने घरों के अंदर एक बार फिर जो है वो जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी सड़क पर जो है वो आपको देखे जा सकते हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये भूकंप का झटका आया है उसने एक बार फिर 2005 की याद ताज़ा कर दी है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और जैसे ही इस बारे में कोई और कंक्रीट रिपोर्ट हम तक पहुँचेगी जिसमें हम आपको ये बता पाएंगे कि आखिरकार कितनी तीव्रता का ये झटका था और किस तरीके से कितना नुकसान जो है इस भूकंप के झटकों ने पहुंचाया है, उसकी पूरी जानकारी लेकर हम आपके पास दोबारा पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें JK News Today के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।